संतों लोगों के संत नाम लेकर बहुत लोग हैं। संतों में अंधविश्वास जी कौन से आपने महसूस किए? संत में जो है पहला तो है वेद के विरुद्ध चलना, जैसे मूर्ति पूजा वेद में नहीं है, मूर्ति पूजा के नाम पर करोड़ों रुपया मिल रहे हैं मंदिरों को, जिससे जो पुरोहित पुजारी हैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, करोड़ों रुपया के कार में घूम रहे हैं, ऐसी इंजय जीवन जी रहे हैं, किनसे जो पैसा मिल रहा है मंदिर को, जो मंदिर को पैसा मिल रहा है ये धर्म के कार्य में उपयोग करना चाहिए, जो रोगी हैं उनके लिए बनाना चाहिए कि यहीं पर रोगी आकर के बिना पैसा से ठीक हो सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ गुरुकुल बनाना चाहिए, खोलना चाहिए जहाँ पर आकर के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो पैसा मंदिरों को मिल रहा है वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा रहे हैं, इसलिए ये भी एक वेद के विपरीत कार्य है। और जैसे ग्रह दोष को लेकर के, ज्योतिष को लेकर के बहुत लूट चल रहा है, बहुत पाखंड चल रहा है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, ले रहे हैं, लूट रहे हैं, टीवी चैनल में आ जाते हैं जो ज्योतिष वाले बोलते हैं, और तुम्हारा ये ग्रह दोष ठीक नहीं है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, यहीं पर आ जाओ, ये करो, हमको लाखों रुपया दे दो, हमारे लिए ये करवाओ, बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ बताते हैं, तो ये गलत है, ये झूठ है, पाखंड है, ये ठगते हैं, लूटते हैं, तो ये वेद के विपरीत है। जितना भी लूट चल रहा है, जितना भी पाखंड चल रहा है, ये सब का मूल है वेद के विपरीत चलना। अगर वेद के अनुकूल हम चलेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, अगर ये नहीं होगा तो जो पाखंडी संत मानते हैं अपने आप को, उनका व्यापार बंद हो जाएगा, फिर पुनः वैदिक रीति रिवाज से देश आगे बढ़ेगा। इसलिए लोगों को सतर्क होना पड़ेगा कि वैदिक रीति रिवाज क्या है, वेद क्या है, उपनिषद दर्शन के विषय में जानना चाहिए। लेकिन आज जो संत है, ग्रह दोष के नाम में कोई लूट रहा है, कोई हुम ढूम भूम करके यज्ञ करके, तामसिक यज्ञ करके, रात को करके, विभिन्न प्रकार के बलि प्रथा के नाम में लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, ये पाखंड है, तो इनके वजह से समाज को बहुत हानियां पहुंची है। ईसाई मुस्लिम में सृष्टि होने का कारण क्या है? ये हिंदुओं में ये गलतियां आ गई, इसलिए मुस्लिम ईसाई भी क्रिएट हो गया कि हम भी लूटेंगे, ये तो लूट रहे हैं, तो इनके वजह से ईसाई और मुस्लिम का बढ़ोतरी हुई है। ये कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदुओं में जो कमियां हैं, अंधविश्वास है, उसके बारे में आप बताए तो, हम बताए तो, वो बोलते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ है आप लोग, हिंदू धर्म के द्रोही है, हिंदू को क्यों कोसते आप लोग, ईसाई इस्लाम वालों को कोसना है, हिंदू जो कुछ भी हो सबको हम अंदरूनी बात है, ये बाहर नहीं बोलना, उसके बारे में कुछ भी परिवर्तन के लिए नहीं बोलना जी। ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं जी। तो ऐसा है, जो मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हमारे घर वाले हैं, तो हमारा घर क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ईसाई भी तो हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी तो हमारे भाई हैं, तो उनके विषय में हम क्यों बाहर में बोले? नहीं बोलना चाहिए। उनके विषय में अगर बोल रहे हैं तो हमारे हिंदू भाई के विषय में हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं, ये एक है। और दूसरा, अगर ऐसे मानते हैं वो तो घर की बात घर में रहे, तो हम बोलने के बाद वो मानना चाहिए, नहीं मानते हैं तो हमको बाहर भी बोलना पड़ता है, शायद मान जाए। हमारा उद्देश्य है किसी के प्रति द्वेष नहीं है, घृणा करना नहीं है, नफरत करना नहीं है, नीचा मानना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि वेद के पथ में आए और चलें, किसी का खंडन मंडन नहीं है। ईश्वर का जो रीति रिवाज है, ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया है मूर्ति, हम जो स्वयं मानव है, पशु पक्षी, इनको मारेंगे, काटेंगे, द्वेष करेंगे, और जो बनाया हुआ है मानव के द्वारा उसी को पूजा करेंगे, तो क्या फायदा है? नहाए धोए किया हुआ जो मन में लेना जाए। तो ऐसे हम विभिन्न प्रकार के जो पाखंड कर रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाई भी बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। अगर घर वाले नहीं बोलेंगे तो क्या बाहर वाले आकर के बोलेंगे इनको? कोई ईसाई आकर के बोलेगा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, हाँ मूर्ति पूजा कर रहे हो, ज्योतिष के नाम पर लूट रहे हो, ग्रह दोष के नाम में ठग रहे हो? कोई बाहर वाला आकर के क्यों बताएगा? हम आपको हमारे अंदर के साथी मानते हैं, इसलिए आपकी गलती जो है हम बताते हैं। जो गलती बताता है उसको तो मित्र मानना चाहिए। ये हिंदू जाति का मूर्खता है कि जो उनका गलतियां बताते हैं उनको द्वेष करने लगते हैं, तो ये हिंदू जाति का पतन का कारण है। इसलिए ये हिंदू भाई हमारे आर्य समाज को अच्छे से जाने कि हमारे उन्नति के लिए ये आर्य समाज काम कर रहा है,
तो ये सोच करके आर्य समाज का साथ देंगे तो ये भारत विश्वगुरु हो सकता है और हिंदू जाति का उत्थान हो सकता है, पतन नहीं होगा। ये हमारे भाइयों का मूर्खता है, इसलिए अपोज करना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसको बोलना चाहिए। घर में बोल करके मान जाए तो बढ़िया है, नहीं तो बाहर भी बोलना पड़ेगा, इसमें कुछ गलती नहीं है। वो समझे कि ये जो भाई बात कर रहे हैं, अगर हम हमारे सुधार नहीं करेंगे तो बाहर का सुधार क्या करेंगे? घर में हमारा कीचड़ पड़ा हुआ है, मैला है, तो बाहर में क्या सफाई करेंगे? हाँ, पहले घर का सफाई कर लें, फिर बाहर का सफाई करें। महर्षि दयानंद जी ने सत्यम प्रकाश में हमारे हिंदुओं में जो कुरीति है, कुसंस्कार है, पाखंड है, अंधविश्वास है, उसी का खंडन किए हैं। इसके साथ साथ जो बाहर वाले आप मानते हैं ईसाई मुस्लिम, उनका भी सफाई किए हैं, ये गलत है भाई। तो मानव का कर्तव्य क्या है? अच्छे को ग्रहण कर लेना चाहिए, जो गलत है बुरा है उसी को छोड़ देना चाहिए, सत्य को मानना चाहिए असत्य को छोड़ देना चाहिए, विद्या का वृद्धि अविद्या का नाश करना चाहिए। इसमें तो हमारा ही मंगल है, जो ऐसा उपदेश देता है वो हमारे हितकारी है। अगर ईश्वर हमको उपदेश देता है अंदर से, चोरी है मत करो, व्यभिचार है दुराचार है मत करो, वो अंदर से पीटेगा हमको, तो हम बुरा मानेंगे तो होगा क्या? हमको ईश्वर क्यों पीटता है अंदर से, क्यों धोखा दे बोलता है कि ये मत करो? क्यों? क्योंकि हमारा मंगल हो जाए। तो जो भाई कहते हैं हिंदू जाति का, जो हिंदू लोगों का है गलत, जो गलत काम है, वो हमारा मंगल चाहते हैं, इसलिए हम इसका ग्रहण करना चाहिए और हमारा जो कुसंस्कार है इसका सुधार करना चाहिए।